हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो यस, आई एम गोइंग टू केदारनाथ। तो चलिए लेट्स डू द पैकिंग विद मी जल्दी जल्दी। एंड वन मोर थिंग, केदारनाथ जाने से पहले ये चीजें आप जो भी मैं लिस्ट डाउन करूंगी उस चीज को आप प्लीज नोट डाउन करके लिख लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं। तो वीडियो बिना स्किप किए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। सो आई एम पैकिंग फॉर 6-day trip। तो मैंने उस अकॉर्डिंग अपने कपड़े को प्लान किया हुआ है 6 day के अकॉर्डिंग। सो आप जितने दिन के लिए जाएंगे तो आप उस दिन के अकॉर्डिंग अपने कपड़े को प्लान करिएगा। तो चलिए करते हैं पैकिंग। एंड मैंने चीजों को सेक्शन वाइज डिवाइड की हुई है, तो मैं उन चीजों को आपको सेक्शन वाइज ही शो करूंगी। सो लेट्स गो। तो मैंने क्लोथिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक नॉर्मल क्लोथिंग एंड देन दूसरा है विंटर क्लोथिंग। बिकॉज केदारनाथ में अभी मैं अक्टूबर के मंथ में जा रही हूँ, तो वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होगी, तो उसके क्लोथ्स मैंने अलग किए हुए हैं। एंड जो ऋषिकेश में जो वेदर होगा उसके अकॉर्डिंग मैंने रखे हैं। तो चलिए वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट मैं आपको नॉर्मल कपड़े दिखाती हूँ। तो नॉर्मल कपड़े यहाँ से आपको दिखेंगे। मैंने एक वन पीस लिया हुआ है एंड अ नॉर्मल बेल बॉटम पैंट एंड टी शर्ट। एक मैंने कुर्ती भी अपने साथ स्टाइल करने के लिए रखी हुई है, जो कि मैं ऋषिकेश में पहनूंगी, विथ अ रेड टॉप एंड अ ब्लैक बेल बॉटम जीन्स। एंड हियर आई हैव गॉट सम हुडीज। विंटर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हियर आई गॉट वन हुडी, एक हाईनेक रखा है मैंने एंड एक पैंट रख रखा है जो कि व्हाइट कलर का है, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ व्हाइट कलर। सो अब बात कर लेते हैं, आई जस्ट गॉट दीज ग्लव्स जो मैंने लास्ट ईयर भी यूज किए थे, तो इस ईयर मैंने खरीदा नहीं है एंड आई लव देम, सो आई विल टेक देम। एंड ये जो मैंने नाइके से परचेज आउट करा था, एंड इसकी फैब्रिक रियली बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड अगर इसकी लिंक मुझे मिलेगी तो मैं ये भी आपको दे दूंगी, तो आप ये भी परचेज कर सकते हो। दिस इज प्योरली वाइट कलर, मैंने इसको एक बार भी नहीं पहना, तो दिस इज फर्स्ट टाइम होगा मैं इसको वेयर आउट करूंगी। आई हैव गॉट टू कैप्स जो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि कौन सी ले जाऊँ, एंड आई एम थिंकिंग कि मैं दोनों ही ले जाऊँ, ओके, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ले जाते हैं। तो एंड क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होगी केदारनाथ पे सबसे ऊपर, तो एक सॉक्स, विंटर का सॉक्स, एंड दीज आर माई थर्मल्स जो मैं वेयर आउट करूंगी वहां पे। सो थोड़ी सी क्लोथिंग में मेरे एक और चीज मैंने एड ऑन करी है, वो है मेरा ये कैप, जो कि मैं अगर वेयर आउट करूंगी वन पीस वगैरह ऋषिकेश में, तो आई वेयर दिस आउट। आई हैव गॉट 3 pair ऑफ सॉक्स एंड दिस वन इज वन, तो आई एम गॉट गेटिंग 4 pair ऑफ सॉक्स विद मी, बिकॉज इट इज ऑल अराउंड 5-day trip, तो इट कैन वर्क। सो अब मूव ऑन कर लेते हैं, ये था पूरा क्लोथिंग के सेक्शन में, अब मूव ऑन कर लेते हैं फूड सेक्शन, जो मेरे को बहुत ही ज्यादा प्रेटी है, तो लेट्स गो फॉर दिस के सेक्शन पे, क्योंकि फूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप वहां पे कैरी आउट करो। तो आई विल रियली सजेस्ट कि आप अपने साथ चॉकलेट्स एंड कुछ ड्राई फ्रूट्स ले जाएं। तो मैंने ये पैकेट लिया जिसके अंदर सिर्फ रेजिन आए थे, बट मैंने इसके अंदर मिक्सड अप कर दिया है थोड़ा सा काजू एंड ऑल, तो ये थोड़ा सा ऐसा हो गया कि ये एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो यू कैन गेट देम विद यू, इट कैन हेल्प रियली। एंड आई हैव गॉट दिस चॉकलेट पैकेट्स, दे बोथ आर माय फेवरेट पैकेट्स, सो आई विल गिव देम ऑन देयर ट्रिप्स। और 14 किलोमीटर के ट्रैक में ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, बूस्ट अप करने वाले हैं ऊपर तक जाने के लिए। एंड नेक्स्ट मूविंग टू आवर मेडिसिनल किट, तो दिस इज माय मेडिसिनल किट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई एम गेटिंग दिस मूव स्प्रे विद मी, and here I'm having some medicines like painkillers, fever ki tablets, so I'm having this, okay, and about this crepe bandage, really ye mere liye to bahut zyada helpful hai, kyunki mere pair bahut jaldi dukh jate hain, to main ise to carry on bilkul hi karungi, and I will suggest ki aap bhi carry on karo, taki agar kahin mein aapko problem ho to you can use it। सो और तो कुछ ज्यादा मैंने नहीं रखा हुआ है, आई एम जस्ट टेकिंग दिस कि अगर मुझे कहीं पे यूज हो जाए तो बस, बिकॉज आपको रखना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, आई एम कीपिंग कैम्फर विद मी लाइक कपूर, मैं रख रही हूँ अपने साथ, बट देन अभी जस्ट मैं फॉरगॉट आउट कर गई हूँ, तो वो मैं आपको शो करती हूँ थोड़ी देर में। सो दिस इज फ्रॉम माई मेडिसिनल किट, तो अब इसे साइड करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट माई मेकअप किट, जो कि इसके अंदर सब कुछ मैंने भर दिया है, तो इसे मैं खोलने बिल्कुल भी वाली नहीं हूँ। ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आप यूज कर जो आप यूज करते हो वो आप ले जा सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट माय मेकअप किट,
तो ये है, लेट्स टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो कि आपको ले जाना चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कैरी आउट करना चाहिए, एक पावर बैंक। मेरा पावर बैंक 20,000 mAh का है, तो मैं ये ले जा रही हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा सफिशियंट है। आई एम कैरिंग माई डिजिटल वॉच विथ मी, देन मैं बोया की माइक यूज करती हूँ शूटिंग के वक्त, तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। देन माई कैमरा, माई फेवरेट कैमरा जो कि फोटोज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ वीडियोज। तो ये इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जो कि आप कैरी कर सकते हो। इवन यू कैन स्किप दीज बोथ एज पर यू यूजेस एंड दीज थिंग यू शुड कैरी अलॉन्ग विथ। यू कैन कैरी योर चार्जर्स, बिल्कुल भी मत भूलना, जो कि मेरा फोन चार्ज हो रहा है दूसरा, तो इसलिए वो वहां पे, तो आई शुड शो इट हियर। लेट्स टॉक अबाउट सम स्किन केयर के आइटम्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उस जगह पे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैनिटाइजर से, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है, कहीं ना कहीं वो हमारे है इंडिया में, तो एक सैनिटाइजर रखना अपने साथ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट है ये एक बायोटिक का सनस्क्रीन, तो मैं ये यूज करती हूँ, तो आई एम कैरिंग दिस विद मी। दिस इज ऑल अबाउट प्लम का फेस वॉश है, तो करेंटली आई एम यूजिंग दिस, तो मैं ले जा रही हूँ। दिस वन इज लैक्मी सन एक्सपर्ट जो कि 24 SPF है, तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, और शायद वहाँ पे धूप ज्यादा ना हो तो इससे काम चल जाए मेरा। एंड आई एम कैरिंग दिस पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम, बिकॉज वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड है, तो अ कोल्ड क्रीम कैन हेल्प मी आउट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इट इज अ टॉर्च जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग होता है, आपको ले जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे अंधेरा होने के बाद अगर आप बाहर जा रहे हो वॉशरूम वगैरह के लिए, तो कैन बी अ यूजफुल थिंग, यू शुड कैरी इट आउट। ये मैंने पास बनवाया हुआ है जो कि आप चेक कर लेना, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एंड आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेना। एंड यू कैन सी दैट मेरा लिखा हुआ है कि 3 to 5 में मैं केदारनाथ धाम जाने वाली हूँ, एंड आई एम हैविंग अ सेपरेट यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि उत्तराखंड गवर्नमेंट को पता हो कि कौन आ रहा है कब आ रहा है, तो ये चीज वहां भी जाते हैं बंदे करवाते हैं, उसमें लाइन लगना पड़ता है उसके लिए आपको, तो ये आप ऑनलाइन कर सकते हो, तो मैंने ऑनलाइन किया हुआ है, तो मैं हैविंग दिस। लेट्स टॉक अबाउट द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कैरी अलॉन्ग विथ, यू शुड कैरी एन रेन कोट, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। वहां पे भी मैंने पता किया तो 3-4 दिन से बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, एंड मौसम विभाग का कहना है कि अब आगे बारिश नहीं होगी, तो आई एम नॉट कैरिंग एन रेन कोट, एंड मेरे पास था भी नहीं, मुझे परचेज भी करना था, तो अभी कुछ देर मेरे फ्रेंड्स भी गए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे रेन कोट्स आपको 50, 100, 150 में अवेलेबल हो जाते हैं, तो वहीं से मैं परचेज कर लूंगी, और वहाँ पे भी बारिश भी नहीं हो रही है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा राहत है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, इज गेटिंग अ गुड शूज। प्लीज ये रिमाइंड में आप रख लेना कि आपको एक अच्छे शूज लेने हैं, बिकॉज 14 किलोमीटर का ट्रैक आप चल के पूरा करने वाले हो, एंड अगर आप अच्छे शूज नहीं लोगे तो ग्रिपिंग अच्छी नहीं होगी, और अगर ग्रिपिंग अच्छी नहीं होगी तो इट कैन बी अ रिस्क फॉर यू। तो आई एम गेटिंग दीज प्यूमा शूज जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, एंड इसकी ग्रिप आप देखो बहुत ज्यादा अच्छी है, एंड इसे भी मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया हुआ था, तो अगर आप ये चाहते हो तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप परचेज आउट कर लेना। एंड ये आई थिंक 1500 to 1600 के अराउंड आपको मिल जाएगी, एंड ये रियली बहुत ही ज्यादा सुंदर भी है देखने में, एंड इनकी ग्रिप्स भी बहुत ज्यादा अच्छी है, स्पेशली मैंने इस ओकेशन के लिए इन शूज को मंगवाया था। सो आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, जाते आते नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करते हुए जाएं, एंड हर हर महादेव, लव यू ऑल, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।